इज्जत और जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है, दुनिया वालों से हम क्या डरें, उसके सामने हाथ फैलाएंगे, सर झुकाएंगे, मांगेंगे, वो देगा। हेलो, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तू 5 हफ्ता बहुत जल्दी कट गया। आज है ट्यूसडे और आने वाली संडे को अपना कंपटीशन है, तो आज ट्यूसडे है तो 5 to 6 days आउट है अपने, तो आज वर्कआउट है, जिम चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम निकल पड़े हैं जिम जाने के लिए। वही जिम चलते हैं, तो सोचा था कि वैसे जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक सैफ और राहुल का हो गया होगा, मगर सोचा था कि बहुत ही इजी होगा आज का वर्कआउट। मैंने भी सोचा था कि जो वर्कआउट मुझे मेरे कोच से मिलेगा साबू, आगे बढ़ाओ, थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो मुझे भी लगा था जो वर्कआउट मुझे मेरे कोच से मिलेगा वो काफ़ी ही इजी होगा, मगर काफ़ी इजी नहीं था, मतलब था क्या, काफ़ी इजी नहीं है, है अच्छा खासा इंटेंस वर्कआउट है आज। तो ठीक है, मतलब बॉडी को एक रिदम में बना के रखना है कि वो कंडीशन ना छोड़े बॉडी पूरा ही, अगर ढीला दे दे, ऐसा नहीं कि बस 30 सेकेंड 1 मिनट का एक्टर सेट दे दिया, पूरा ही ढीला छोड़ दो, ना वैसा नहीं, इंटेंस है बट कंपेरेटिवली आई विल से एज कम्पेयर टू आराम से कम्पेयर टू पास्ट वीक्स थोड़ा सा कम है। इंटेंसिटी और हम लोग मैनेज कर लेंगे, आराम से मैनेज कर लेंगे, मैनेज करना होगा। चलो, तो अटका के रख दिया था मारुति वैन, तो अभी जिम जा रहे हैं। पागल है क्या, बीच रास्ता में रोक दिया, ऐसा मिलता रहता है, क्या कर सकते हैं। और ये देखो, किसी को इतना चुल मचा है, कोई यहाँ का आईना ही ढीला कर दिया अपना, और 4 चक्का 2 चक्का किसी को ये लोग बख्शता नहीं है, ये लोग को क्या करना है पता है, जो लोग ये सब आईना वाइना ढीला कर देता है, इन लोग का उंगली लेके 2 केटलबेल का बीच में चाप देने का, तब मजा आएगा। तो हम लोग जिम आ गए और वार्म अप करके रेडी है, मेन वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं। वापस आएगा बोला था,
yo, the rain was steady pouring, heard the drops and drizzle meant to be. Chilling in my crib, no doubt, peep the scenery. Telephone rang, then it stopped before I could answer it. I heard a knock at the door, so I answered it. And with Jermaine, he had a little situation. Beef up on the block, and off the doctor led the confrontation. He said these cats be acting hard on the block, and they be pumping, waiting, holding, so Dwayne got shot. Now see, Dwayne was just a knucklehead, but still with his cousin. And I'd be wrong if I ain't helping when it's beef, he gon' rush. And he said, listen, listen, homie, ain't no time for discussion. Motherfucking pressure's rising and it's boiling to bust him. So if you with me, then you with me, nigga, make a decision. Got the bait, you be the hook, cause we's about to go fishing. Now listen, when it's on, then it's on for show. Kiss my girl up on the head and in the winter, the dough. Still up in the dark, it comes to light. So always play your part, the part, to say goodnight. Still up in the dark, it comes. Three whips, three chicks hopped at the whip. They had some heaters with them, walked up on it slowly and told me they wanted to get to know me. Jermaine was scoping them bitch. डन विथ आज का सेशन. हल्का सा इंटेंस था पर अच्छे से हो गया. तो अभी मिलते हैं आप लोग से डे टू में. तो देखते रहिए ब्लॉग, ये लास्ट ब्लॉग है बिफोर कॉम्पिटिशन. तो एक छोटी सी बात याद आई कि हमारे इस्लाम में बोला जाता है, तो हमारे मतलब मेरे आपके हम सब के इस्लाम में रिलीजन में बोला जाता है कि जैसे कंपटीशन सामने आ रहा है, डर लग रहा है. तो हमारे यहाँ एक बहुत पहले एक किस्सा हुआ था, वॉर हुआ था, जिसमें हमारे जो इमाम है हज़रत अली करमुल्ला वजह वो भी शामिल थे. तो उनको टाइटल दिया गया था लायन ऑफ गॉड. तो इतना ताकतवर और ब्रेव थे वो, इतने बहादुर थे. तो वो जिस तरह लड़े थे, वो किस्से का नाम है खैबर का किस्सा. किसी दिन आप लोगों को उस पर भी मैं डिटेल बताऊंगा वो क्या वॉर था, कैसे क्या हुआ. तो बोला जाता है कि जब बच्चों के दिल में डर हो तो उन्हें खैबर का किस्सा याद दिलाओ, मौला अली के नाम से और उनके बहादुरी से दिल से डर ख़त्म हो जाता है. तो होपफुली कॉम्पिटिशन के नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को इसका किस्सा भी एक बार सुनाऊँगा. तो डरने की बात नहीं है, हम थोड़ा सा नर्वसनेस टाइप होता है हर कॉम्पिटिशन से, चाहे वो स्टेट हो, रीजनल हो, नेशनल हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो. तो सबका अपना अपना तरीका है. मेरा तरीका है, मैं कुछ मोटिवेशनल या कुछ वीडियो या कुछ रिलीजियस वीडियो कुछ देख लेता हूँ, जिससे काफ़ी हद तक माइंड काम रहता है. जितना माइंड काम रहेगा उतना अच्छा आपका रिकवरी होगा और परफॉर्मेंस होगा. तो कभी आप अगर हार भी जाओ कोई चीज़ में, ये करो, तो आपको हर एक चीज़ से सीखना है. जितना हम सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे. तो इज्जत और जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है. दुनिया वालों से हम क्या डरें, उसके सामने हाथ फैलाएंगे, सर झुकाएंगे, मांगेंगे वो देगा. और ऊपर वाला तो कहता ही है कि मांगो मैं देने बैठा हूँ, तो हमें शर्माना नहीं चाहिए. और रहा बात अकीदा की या कोई विश्वास की, तो वतन से मोहब्बत का अकीदा तो मेरा दीन से जुड़ा हुआ है. मुझे अपना दीन याद है, मुझे मेरा वतन प्यारा है, मुझे सब प्यारा है. तो अपना प्यार आशीर्वाद सब कुछ बनाए रखें. मिलते हैं आप लोग को लास्ट व्लॉग प्रेप का, जो कि होगा हमारा डे टू. अस्सलामुअलैकुम. लास्ट डे कॉम्पिटिशन से पहले हम जिम आ चुके हैं और थोड़ा सा सलून से होके आए हैं. उतना तो नहीं, बस थोड़ा बहुत छाटा छुटी करके आए. तो अभी वर्कआउट पे चलते हैं, आप लोगों को अपडेट रखते हैं. होपफुली सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों का. Thank you.
Hey yo, the rain was steady pouring, heard the drops and drizzle meant to be. Chilling in my crib, no doubt, peep the scenery. Telephone rang, then it stopped before I could answer it. I heard a knock at the door, so I answered it. And with Jermaine, he had a little situation. Beef up on the block, and off the doctor led the confrontation. He said these cats be acting hard on the block, and they be pumping, waiting, holding, so Dwayne got shot. Now see. तो हम लोग का डे टू लास्ट प्रैक्टिस सेशन बिफोर कंपटीशन ख़त्म हो चुका है. बहुत ही छोटा सा आज वर्कआउट था, तो जितना हार्ड वर्क है जो भी नेसेसरी था इम्प्रूवमेंट सिंस दिल्ली वो सब हमने कर लिया है. काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है. अब रेस्ट है कल और परसों, और तरसों जो संडे है हमारा कॉम्प है फिटर स्ट्रेंथ कैटेगरी चैम्पियनशिप 19 मार्च 2023. और बाकी ताओ प्रेम मेरा योगेश्वर सर बाहर से सबको आ रहे हैं. सैटरडे हम लोग होपफुली कोलकाता आ जाएंगे, और संडे को कंपटीशन है तो उन लोगों से संडे मिलेंगे. संडे में उन लोगों को ब्लॉक में रहेंगे. और जो भी आप कर रहे हो, जो भी स्पोर्ट पे हो, अपनी मेहनत से, मन से, लगन से सब करो. और चाहे आप रोअर हो या केटलबेल कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, क्रॉसफिट, जो भी कर रहे हो, कठिनाइयां आएंगी, वो एक जीवन का पार्ट है और आपको उसके थ्रू आगे बढ़ते रहना है. और आपको बस एक बात याद रखना है कि आपको कोई झुका नहीं सकता. तो जैसे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं हमारे कि अगर गलती तुम्हारी हो तो सबसे पहले झुक के माफ़ी मांगना, मगर अगर गलती तुम्हारी ना हो तो झुका देना. तो इसी से हम लोग आज का वर्कआउट ब्लॉग ख़त्म करते हैं. और यूजुअली हम लोग का वर्कआउट ब्लॉग जो है वो आता है संडे को, बट संडे कॉम्प है इसलिए हम लोग कोशिश करूँगा मैं कि ये ब्लॉग को कल या मैक्स टू मैक्स परसों ये ब्लॉग अपलोड हो चुका होगा, क्योंकि संडे को कॉम्प का हम लोग ब्लॉग बनाएंगे और वो बहुत ही बड़ा ब्लॉग होने वाला है. तो अपना दो आशीर्वाद ख्याल बरकरार रहे, मिलते हैं जल्दी.